हेलो एवरीवन, आज हो रहा है अभी दिन का टाइम। इतने प्यारे लग रहे हैं यहाँ से, बात सनसेट भी दिखेगा अभी हमें। जा बाहर जाके बना के ला। बाहर जाके ये बना लेंगे, पहले यहीं से दिखा देते हैं। हमें आ रही है बहुत तेज नींद, बट आज हमें बनानी है दाल मखनी। और दाल मखनी को बनाने के लिए मैंने नया तरीका निकाला है ढूंढ के, तो उसको 1-1.5 घंटा हम मीडियम गैस पे अच्छे से पकाएंगे, ठीक है? 4 घंटे पकती है वो। 4 घंटे पकती है? हाँ। दाल? हाँ। 4 घंटे? हाँ। कौन सी दाल? दाल मखनी। किसने कहा? किसने कहा है? मैं बता रहा हूँ। तो किसने कहा है? मैं देखता हूँ जिन्हें बनाई थी अभी। चूल्हे पे, कोयले पे, कैसे मतलब गैस पे? तो मम्मी तो ऐसी नहीं बनाती तुम्हारी? मम्मी नहीं बनाती है, मम्मी तो फटाफट वाली बनाती है। तो मैं फटाफट वाली से उनका टेस्ट आता ना, वैसा टेस्ट आ रहा था उनकी दाल में। हाँ, तो वो वही वाली दाल आज मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। डिशुम रेस्टोरेंट का नाम है। तो आज मैं 4 घंटे तो नहीं पकाने वाली, 1.5 से 2 घंटे जरूर पका के बनाऊंगी, देखते कैसा टेस्ट आएगा उसमें, ठीक है? ओके, तो हम चलते हैं दाल बनाने। 6 घंटे भिगा कर दाल को, उसके बाद इसे चढ़ा दिया मीडियम गैस पे एंड आधा घंटा तक रखी, तो ये ऐसी दिखने लगी, हल्की सी सॉफ्ट होने लगी थी। अब इसे ऐसे रखेंगे अभी 2 घंटे और तब तक करते हैं अपने नान की तैयारी। नान के लिए आटा गूंथ लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी मैदा। मैदा में मैं डालूँगी दही, चीनी, नमक और बेकिंग सोडा। गूंथ के रख देंगे साइड में। और ये दाल में ना हल्का हल्का मैंने मक्खन डाल के इसको और हर आधे घंटे में डाला और रख दिया। टमाटर ले लिए हैं 4-5, इसमें अदरक का 1 टुकड़ा और 1 या 2 हरी मिर्च, अपने अकॉर्डिंग लेनी है। देन यहाँ पर घी ले लिया है थोड़ा सा एंड उसमें जीरा डाला है। उसके बाद 1/2 चम्मच बिल्कुल पिंच ऑफ हींग डालेंगे और थोड़ी देर ना इसे होने देंगे। और ये मीडियम गैस पे बनाऊंगी आज मैं सारा। और घी से जो फ्लेवर आएगा ना दाल में, बढ़िया, मक्खन तो उसमें है ही और आज अलग ही दाल निकल के आएगी। तो प्याज नहीं डालूंगी मैं इसमें। अब सबसे पहले डालूंगी हल्का सा ज़रा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट, उसी के साथ डाल दूँगी टमाटर। ये डाला मैंने पेस्ट और ये डालूंगी अब मैं टमाटर। और ये हल्के हाथ से मैं इसे चलाती रहूंगी, थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दूंगी, पहले हल्का हल्का सा बॉईल आ जाए इसमें। और इसकी खुशबू तो लाजवाब आ ही रही है। साइड में मैं अपनी दाल भी चला रही हूँ, उधर बीच बीच में उसको भी चलाना पड़ रहा है। बाकी दाल को रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं और ये इसमें बॉईल आ चुका है, तो इसे हिला लेंगे अब। दाल मखनी मैंने ये देखी कि ऐसे बनाओ तो इसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो जो हम कुकर में बनाते हैं ना, उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। तो मैंने सोचा कि आज ऐसे बनाते हैं और देखते हैं टेस्ट कैसा आएगा। नान का तो पता नहीं क्या ही बनेंगे, यहाँ पर वैसे ही चूल्हा नहीं है। और ये लास्ट में मैंने ज़रा सा पानी डाल दिया था इसमें। जो आँच वाली गैस होती है ना, उस पर नान बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। ये मैं मसाले डालूँगी, लाल मिर्च 2 चम्मच और ये हल्दी पाउडर, और ये डालने वाली हूँ मैं धनिया पाउडर, आई थिंक। हाँ, ये धनिया है। जितने कम मसाले रखूँगी ना, उतना बढ़िया टेस्ट आएगा, क्योंकि दाल के अपने जो फ्लेवर निकल के आएंगे ना आज कढ़ने के बाद, वो अलग ही है। हल्का सा अमचूर पाउडर डाल दूँगी एंड दैट्स इट, कुछ मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही बहुत टेस्टी बनेगी ये दाल। अब इसे मिक्स कर लूँगी और 5-6 मिनट ना अच्छे से पकाऊँगी मैं इसको। नमक डाला था ये लास्ट में मैंने, नमक अपने अकॉर्डिंग डालना है। 5 से 7 मिनट इसको मीडियम गैस पे, जब तक घी ऊपर ना आ जाए इसमें, जब तक मज़ा ना आ जाए, खुशबू ना आने लगी, तब तक इसे रखेंगे। जितना पकाएंगे उतना बढ़िया टेस्ट आएगा। और ये ऊपर ऑयल आ चुका है अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया कलर आया। अब ये हम दाल में डाल देंगे। अभी भी मैंने मीडियम गैस पे रखी हुई है, दाल पूरी गल चुकी है बढ़िया से और खुशबू तो कमाल की आ रही है मक्खन और दाल की। और ये अब मैं मिक्स कर दूंगी, इसका कलर ही बदल जाएगा बिल्कुल दाल का ना, बिल्कुल। मतलब कुछ मैंने एडेड फूड कलर नहीं डाला, कुछ भी नहीं है इसमें, और इसका कलर अपने आप ही चेंज हो जाएगा।
और अभी इसको मैं और कढ़ने रखूँगी कि और अच्छे से इसका टेस्ट हो जाए। हल्का सा मक्खन भी डाल दूँगी ऊपर से। अभी तो मैं इसी को मिक्स कर रही हूँ, सारा मसाला अच्छे से निकाल लूँगी और मैं ना टेस्ट भी कर लूँगी। 1 स्पून की कोई कमी होगी तो वो मैं उसी टाइम कुछ भी ऐड कर सकती हूँ। अभी थोड़ी गाढ़ी लगे तो आप पानी भी डाल सकते हैं, मुझे लग रही है तो मैं डालूँगी। तो यहाँ मैं डालूँगी 1 चम्मच मक्खन और इसको ढक के ना रख दूँगी दोबारा से। और ये जो चम्मच मक्खन लगाना, ये वापस दाल में निकाल लो। ये मैंने स्पून और ये अभी बाहर निकाल लूँगी और मक्खन को ना मैं हिलाऊँगी नहीं ज़्यादा। जितना मेल्ट होकर के अपने आप जाएगा ना अंदर, अपने आप पिघल के फैलेगा, वो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और यहाँ मैं 1 स्पून टेस्ट भी कर लूँगी, कोई नमक मसाला तो कम नहीं है। तो ये मैं 1 टेबल स्पून अपना निकाल लेती हूँ टेस्ट के लिए एंड इसे मैं ढक के रख दूँगी आधा घंटा और, सोच रही रख देती हूँ और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो ये 15-20 मिनट बाद मैंने दोबारा से इसमें कसूरी मेथी डालने के लिए खोला और ये देखो वाह क्या खुशबू, तो ओहो अलग ही खुशबू आ रही है इसकी, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट है। और उसके दाल के जो अपने फ्लेवर्स निकल के आए हैं ना, वो तो अलग ही है। दाल जो है वो मेरी रेडी हो चुकी है, इसे रख दूँगी साइड में। अब ये ले लूँगी मैदा। अब तेल लगा के हाथों में अपने पति की शक्ल या अपने पति को इमेजिन करते हुए इसको अच्छे से गूंथ लेना, बहुत ही प्यार से। जितने भी गीले शिकवे हैं इस आटे पे निकल जाने चाहिए। तो इसको मैं अच्छे से, जब मैंने रखा था उसके बाद मैं इसे कर लूँगी ढंग से। अगर आज मेरे पास वो वाली गैस होती ना तो अलग ही बनता, आज मुझे तवे पे बनाने पड़ेंगे, बट ठीक है ओके फाइन। फिर तो मैं इसको अच्छे से ऊपर नीचे अटक पटक के इसमें से लोया लोई निकाल लूँगी या पेड़े काट लूँगी, जो भी आप बोलते हो। तो इसमें से मैंने अभी सिर्फ 3 निकाले हैं, बाकी साइड में रख दूँगी। सूखे आटे के साथ भी बना सकते हैं, मतलब मैदा और घी लगा के भी बना सकते हैं, वो मर्ज़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड आई डोंट हैव धनिया राइट नाउ, तो मैं इस पर लगा नहीं सकती कुछ भी। और ना हम लोग गार्लिक नान नहीं खाते, हम बटर नान खाते हैं, तो मैं सेकने के बाद ही बटर लगाऊंगी। तो जो लोग गार्लिक खाते हैं वो उसे हल्का सा चॉप करके लगा सकते हैं उस पर, साथ में धनिया की पत्तियाँ। इट विल लुक ग्रेट एंड इट विल ऑल्सो टेस्ट वेरी गुड। तो अभी इसको और पटकेंगे और। अब ये हो गया है, अब मैं इसे बनाऊंगी। और उधर मैंने तवा बिल्कुल मीडियम गैस पे कर लिया है गरम, देखते हैं कैसा बनेगा। कोशिश करती हूँ हाथ से बनाने की, लोग तो हाथ से ही बना लेते हैं यार, बट मेरे बस की है नहीं ना, मुझे आता है ऐसे करना है, ऐसे 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 कैसे करते हैं आई डोंट नो। मैं अपना बेलन यूज़ कर लूँगी। सो मेरी रोलिंग पिन उधर रखी है ऑलरेडी, इसी से करेंगे हम तो भाई, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और ये पूरा अच्छे से करने के बाद ये मैंने उधर इस पर हल्का सा पानी लगाया है और मैंने इसे रख दिया है, ये देखो रख दिया। लेट्स सी कैसा बनेगा। तो ये लगता नहीं मुझे अच्छा बनेगा, लेट्स सी कैसा बनता है, देख लेती हूँ इसको मैं एक बार पलट के कि हुआ या नहीं। 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 2-3 मिनट के लिए रखा था और वाह तो बड़ा सुंदर सा बन गया। बट अगर यहीं मैं इसको आँच पे उल्टा करके तवा कर दी ना तो अलग ही मज़ा आता, बट वही है ना कि वाली गैस नहीं है, इसमें दिक्कत तो रहती है। अब ये जितना भी सीखा हम वैसे ही खा लेंगे इसको। एंड ये रही मेरी दाल और ये रही प्याज और ये रही नान, बहुत ही अच्छी बनी थी, स्वादिष्ट, बहुत ही बढ़िया खाना खाने के बाद औसम बनी थी दाल। तो आज मैं वॉक करने आ गई थी क्योंकि मैंने खाना दिन में बनाया था एंड देन शाम को मैं वॉक करने आ गई थी। उसके बाद आजकल मैं डेली वॉक करना स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो लेट्स सी कहाँ तक पतली होंगी, ऐसा लगता नहीं मुझे। तो यहाँ शाम को बड़ा सही हो जाता है अपना, घूमो फिरो, बच्चों को देखो खेलते हुए, कई बार यहाँ पर लेडीज़ वगैरह भी होती हैं नॉर्मल, तो घूमते हुए अच्छा लगता है। तो आज मैं वॉक करने आई, बहुत अच्छा लगता है वॉक करते करते, सोचा आज व्लॉगिंग करती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को ये पूरा पार्क है। अभी मैं ग्रास पे चल रही हूँ और सामने सारे छोटे 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 घर एंड ये इधर ये स्कूल है, ये अभी दिखाती हूँ।
और ऐसे सनलाइट में वॉक करते हुए अपने आराम से चलती हूँ मैं। भव्य अभी आएंगे, खाना खाने के बाद बड़ा मज़ा आता है वॉक करके। हवा और सनलाइट, ग्रेट कॉम्बिनेशन। एंड